जय श्री राम सभी को। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस एक नए ब्लॉग में। आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि आज कुछ मैं स्पेशल ट्राई कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस याद को कैप्चर करके रख लिया जाए ब्लॉग के थ्रू। तो आज मैं फर्स्ट टाइम राजमा बनाने वाला हूँ। तो आइए आपको भी उसका मेकिंग दिखाते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिए और तब आपको पता चलेगा कि कैसा बना है, क्या कुछ हुआ है। तो चलिए राजमा यहाँ बनाते पे हैं। राजमा तैयार है। यहाँ पे मैंने सब्जी भी कट कर लिया है, ऑनियन हो गया, ये अदरक हो गया, टमाटर हो गया, लहसुन हो गया, मिर्च हो गया और कुछ खड़े गरम मसाले। और इसे मैं एक कुकर में बनाऊंगा ताकि मेरा राजमा झट से कंप्लीट हो जाए। राजमा में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए मैं यूज करूंगा सरसों तेल। आप घी भी यूज कर सकते हैं या रिफाइंड ऑयल, जो आपका मन, आप सब यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सरसों तेल यूज कर रहा तेल गर्म हूँ। हो चुका है, अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगा। देखिए अब इस तेल का गर्म होने का इंतजार जैसे कि करूंगा। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है तो ये जो खड़े गर्म मसाले मैं इसमें दे दूंगा और इसे कुछ देर तक कुछ भूनूंगा। देर भुनने के बाद ये मैं लहसुन इसमें डाल दूंगा और एकदम थोड़ा देर के लिए इसे रोस्ट करूंगा, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने ये तक। लहसुन भी थोड़ा सा रोस्ट हो गया और ये जो प्याज है मैं अब इसमें डाल के इसे भी थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा, भूनूंगा। और ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू तो करेंगे। गाइस थोड़ा देर प्याज भुनने के बाद इसमें मैं स्वाद अनुसार थोड़ा बहुत चीनी डाल दूंगा ताकि थोड़ा सा टेस्ट वो एक अलग फ्लेवर लाए, थोड़ा सा हल्दी और उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च। कुछ देर तक अच्छे से फ्राई करूंगा ताकि ये अच्छे तरीके से भुंजा के रेडी हो जाए। मजेदार बना रहा हूँ। तो ये रहा एक मीट पॉट, इसका आधा मैंने इसमें डाल दिया और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और थोड़े देर तक इसे अच्छे तरीके से इसको भूनूंगा जब तक ये थोड़ा बहुत अपना तेल नहीं छोड़ दे। हमारा मसाला अच्छे से भुंजा चुका है, इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दूंगा और उसके बाद ये थोड़ा सा धनिया पत्ता और फिर ये अदरक जो मैंने अभी कद्दूकस करके रखा था और इसके बाद आ जाएगा हमारा टमाटर। तो टमाटर बस बेसिकली मैंने 2 पीस में कट किया है और इसमें डाल दिया। अब इसमें दूंगा थोड़ा सा नमक और फिर पानी। आ चुका है तो नमक को तो आना बनता है, तो फिर मैंने यहाँ नमक डाल दिया और 1/4 कप बस मैं इसमें पानी डालूंगा, बस हो गया। और इसे फिर मैं लगा दूंगा और हाई फ्लेम में जब 3 सीटी लगने तक का इंतजार करूंगा। कुकर बंद करके हाई फ्लेम पे रख चुका हूँ, 3 सीटी लगने का इंतजार करूंगा और फिर उसके बाद आगे का जो प्रक्रिया होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब अभी तक के हिसाब से तो स्मेल बहुत तगड़ा आ रहा है। उम्मीद है कि आज ये फर्स्ट टाइम राजमा बना रहा हूँ लेकिन 100% सक्सेसफुल होगा। लेकिन अभी मेन चीज इसके बाद बाकी है, ये तो बस वो कहते हैं ना ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए आगे का इंतजार अभी कीजिए। यहाँ पे 3 सीटी मुझे लगाना था जो कि मैं लगा चुका हूँ। और मैं इसलिए लगाया ताकि ये जो देखिए टमाटर का जो छिलका ये आसानी से निकल जाए, तो ताकि ये अच्छे तरीके से पूरा मसाला में मिक्स होके एक बेहतरीन फ्लेवर दे। तो सब टमाटर का जो ये छिलका है वो से मैं निकालता हूँ पहले। देख सकते हैं सारे टमाटर का छिलके को मैं अच्छे से निकाल चुका हूँ और इस टाइप का मैं एक कलछुल ले लिया और इसे अच्छे तरीके से मैश करूंगा ताकि ये जो भी टमाटर जो है वो भी मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और एक और चीज, अगर जैसे कि ये खड़े गरम मसाले हुए ये सब आप चाहें तो निकाल सकते हैं क्योंकि ये अब तक अपना फ्लेवर इसमें छोड़ चुका होगा। तो पहले मैं जितने खड़े गरम मसाले हैं उसे निकाल देता हूँ, फिर इसे अच्छे तरीके से मैश कर आप दूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा मसाला ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें आ जाएगा जो हमारा ये रहा राजमा, तो इसमें फिर ये राजमा मैंने डाल दिया। अब इसे मिक्स करता हूँ, जाएगा थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसे फिर मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ। देख के तो लग रहा है कि आज बनने वाला है तगड़ा सा राजमा। बस गाइस मेरे पास था थोड़ा सा कसूरी मेथी, तो अच्छे तरीके से मैश करके ये कसूरी मेथी मैंने इसमें डाल दिया और इसे भी अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा। मैं लगभग 1 ग्लास पानी दे दूंगा, पानी हल्का ज्यादा रहे तो अच्छा है क्योंकि लिए अभी वो इसमें और अच्छे तरीके से बॉयल होगा और मिक्स हो जाएगा और हल्का ग्रेवी तो चाहिए अगर राजमा बन रहा है तो। एकदम लो फ्लेम में करके कुकर को बंद करूंगा और 3 से 4 सीटी लगने तक का इंतजार करूंगा। तो राजमा अच्छा बनेगा और जब तक इसमें 4 सीटी लगता है तब तक मैं जाके अपना दूसरा काम कर लेता हूँ। फाइनली राजमा बन गया और अब है सस्पेंस का पारी। देखते हैं खोल के क्या हुआ, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है वो तो खोलने के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना फीलिंग आ रहा है कि वो कंप्लीट हो चुका है। 2, 3 फाइनली फाइनली अब देखते हैं मेहनत का फल कैसा हुआ, मीठा या खट्टा, लेकिन देख के तो लग रहा है कि ये कंप्लीट हो चुका है। के लिए 1 पीस मैंने निकाल लिया है
और मैंने इसे हाथ से दबाया, यानी कि ये च्यूर हो गया, यानी कि ये कंप्लीट अब बन चुका है। तो अब टेस्टिंग की बारी। फाइनली वो पल आ चुका है, राजमा बन के तैयार हो चुका है फर्स्ट टाइम। अब देखते हैं इसमें मैं पास हो पाया या फेल होता हूँ, तो वो अब टेस्टिंग के बाद पता चलेगा। तो फिलहाल चलिए अपना राजमा और पराठा टेस्ट करते हैं। अनबिलीवेबल गाइस, पता नहीं, यकीन नहीं हो रहा यार। फर्स्ट टाइम वो भी राजमा मैंने बनाया, इतना ज्यादा टेस्टी बना है। आप लोग कभी आओ यार, आप लोग सबको खिलाऊंगा, तब आप लोग मानोगे। तो फिर मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में कुछ और मजेदार चीज के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।